आज की कहानी एक ऐसे बेरहम सीरियल किलर की है जो अपने विक्टिम्स को दर्दनाक मौत देता था। कई बार तो वो अपने विक्टिम्स को इतना तड़पाता था जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से बहुत दूर एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। झील सी आंखों वाला पेट गाड़ी चला रहा था और उसके साथ थका सा बेन बैठा था। दोनों आज वीकेंड मनाने जा रहे थे। उनके दो और दोस्त पीछे ही आ रहे थे जिनका इंतजार करने के लिए ये एक होटल में आते हैं। कुछ ही देर में इनके दोनों दोस्त भी होटल में पहुंच जाते हैं। पहले मस्तीखोर जैक इन्हें मिलता है, फिर लाल टोपी वाली कैट बेन से कहती है, ये क्या हाल बना रखा है, तुम पंजीरी क्यों नहीं खाते। ये सुनकर बेन कुछ नहीं कहता। तभी होटल का मालिक सैम कहता है, लगता है तुम वीकेंड मनाने जंगल में आए हो। जैक जवाब देता है, हाँ हम लोग वहाँ कैंप लगाने जा रहे हैं। इसके बाद सभी बैठकर कॉफी पीते हैं और सैम से जान पहचान करते हैं। कुछ देर बाद सभी कॉफी पीकर बाहर निकलते हैं और तभी सैम पीछे से कहता है, जाते जाते मेरी एक बात सुनो, उससे तुम्हें फायदा होगा। तुम लोगों को उस तरफ जाना चाहिए, वो जगह कैंप के लिए बहुत अच्छी है। मैं आज रात वीकेंड पार्टी कर रहा हूँ, तुम वहाँ आराम से पार्टी के लिए भी आ सकते हो। सभी को उसकी बात ठीक लगी थी और वो उसकी बताई जगह की तरफ जाते हैं। कुछ देर बाद वो कैंप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक लड़की पहले से ही थी। वो कुछ सोचकर पूछती है, क्या तुम लोगों ने मेरी बहन गिना को देखा, वो लंबी पतली और लाल बालों वाली है। पेट कहता है, नहीं हम तो अभी अभी आए हैं। ये सुनकर मैंडी थोड़ा उदास होती है। कुछ देर बाद मैंडी अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। इसके बाद पेट उसके पास आता है और वो बताती है, मेरी बहन सुबह से वापस नहीं लौटी। कल रात हम दोनों एक साथ सोए थे लेकिन मैं जब सुबह उठी तो वो गायब थी। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। कुछ ही देर बाद सभी मैंडी की मदद करने के लिए गिना को तलाशने लग जाते हैं। वो सभी जंगल में बने एक घर में आते हैं। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई ना रहता हो। अचानक जैक की नज़र एक अलमारी पर पड़ती है और वो जल्द ही उसे खोल लेता है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज थी। मैंडी को भी पास ही रखा प्रोजेक्टर मिल जाता है। कुछ ही पलों बाद बेन प्रोजेक्टर शुरू करता है और सभी बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी में एक किलर एक जोड़े को बेरहमी से मार रहा था। दूसरी मूवी और भी खतरनाक थी जिसमें किलर एक आरी से विक्टिम का जबड़ा धीरे धीरे काटता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तड़प सके। मैंडी ये देख उठकर बाहर जाती है क्योंकि वो ऐसा दर्दनाक नजारा नहीं देख सकती थी। अब मैंडी और पेट बाहर बैठे बातें कर रहे थे और तभी बेन आकर कहता है, दोस्त मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने बहुत सी मूवीज देखी हैं, लेकिन इतना खून खराबा किसी में नहीं होता, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक तीनों कुछ देखकर चौंकते हैं और जल्दी जल्दी घर में आ जाते हैं। पेट घर में आकर कहता है, जैक जल्दी उठो, लगता है घर का मालिक आ रहा है। सभी जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलो। इसी बीच बेन एक मूवी को चुरा लेता है। अब सभी वापस कैंप की तरफ जा रहे थे और रास्ते में बेन एक जगह को देखकर चौंकता है। वो धीरे धीरे डर कर इस जगह पर आता है। उसे याद आता है कि मूवी वाले किलर ने इसी जगह विक्टिम का जबड़ा काटा था। दांत को देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है जिसके बाद वो डर कर वहाँ से भागता है। वो जल्दी जल्दी जाकर पेट को पूरी बात बताकर उसे दांत भी दिखाता है लेकिन पेट उसकी बात हल्के में लेकर उसे यहाँ से चलने को कहता है। कुछ देर बाद सभी दोस्त सैम के होटल में आकर पूरी मस्ती करते हैं। जैक मस्ती में ज्यादा दारू पीकर हमें बताता है कि यह सेहत के लिए ठीक नहीं, फ्री की दारू कैट को भी हजम नहीं होती। उधर जैक बाथरूम में जाना चाहता था लेकिन होटल के बाथरूम के बाहर लंबी लाइन लगी थी। इसके बाद जैक के पूछने पर सैम उसे बताता है कि होटल के पीछे एक बाथरूम है। वो जल्द ही इस पुराने से बाथरूम में आ जाता है और तभी मूवी वाला किलर आकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सभी दोस्त मैंडी को संभाल कर कैंप में ले जाते हैं। कुछ देर बाद बेन अपने टेंट में बैठा मूवी का प्रिंट देख रहा था। अचानक उसके पास पेट आकर कहता है, जैसे ही जैक का नशा उतरेगा वो खुद ही वापिस आ जाएगा। तभी उसकी नजर प्रिंट पर पड़ती है जिसे उठाकर वो कहता है, बेन ये तुमने ठीक नहीं किया, ये उन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है। ये सुनकर बेन चुप कर जाता है।
इसके बाद वो मैंडी के पास जाकर कहता है, मैं और बेन जंगल वाले घर में जा रहे हैं, पूरी बात तुम्हें वापस आकर बताऊंगा, तुम कैट का ख्याल रखना, वो अभी तक नशे में है। मैंडी उसकी बात मान जाती है। कुछ देर बाद पेट और बेन जंगल वाले घर में आते हैं ताकि बेन की चुराई हुई मूवी को वापस कर सके। पेट को लगा था कि ये लोग कोई डरावनी मूवी बना रहे होंगे और बेन की गलती के कारण उन्हें नुकसान हो सकता है। अचानक मूवी वाले किलर को देखकर बेन डर जाता है और दोनों दोस्त डर कर एक जगह छुप जाते हैं। किलर के यहाँ होने की उम्मीद उन्हें दूर दूर तक नहीं थी। किलर एक जगह पर आकर अपना काम शुरू कर देता है और दोनों दोस्त मौका देखकर यहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारा खून था। जगह जगह इंसानी अंग कटे पड़े थे, जिन्हें देख दोनों दोस्त बुरी तरह से डर गए थे। अब बेन के गिरने की आवाज सुनकर किलर नीचे आता है और दरवाजा बंद करके ऊपर चला जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त यहाँ से जल्दी जल्दी निकलकर पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। तभी पेट की नजर एक शटर पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है, चलो बेन, ये लॉक नहीं, ये तो बस जाम हुआ पड़ा है। अब दोनों मिलकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। दूसरी तरफ कैट मैंडी को चकमा देकर जंगल में आ चुकी थी, वो भी बेन के साथ घर में जाना चाहती थी, और तभी किलर उस पर वार करता है। डरी हुई कैट भागकर घर में आ जाती है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करती है। दरअसल वो मूवी वाले किलर को असली में देखकर पूरी तरह से डर गई थी, और तभी किलर उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर उसकी नजर कील पर पड़ती है, जिसके बाद वो एक बार कैट को देखता है। इस बेरहम किलर के दिमाग में जरूर कोई नया तरीका आया था। जबकि कैट उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे जल्द ही पकड़ लेता है। अब शुरू होता है खतरनाक खेल। पहले कील को टांग में ठोका, फिर बाहर निकाला, फिर ठोका, फिर बाहर निकाला। दूसरी तरफ बेन और पेट के हाथ जैक लग जाता है, जो इन्हें यहीं कमरे में मिला था। पेट जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी शटर उसकी बाजू पर गिर जाता है। बेचारा पेट गला फाड़कर चिल्लाता है। उधर दरिंदा कैट को मार रहा था, जो पेट की चीख सुन लेता है। अब वो कैट को जल्दी जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। ये दरिंदा किलर नीचे से शुरू होता था ताकि विक्टिम ज्यादा से ज्यादा तड़पे, और बिल्कुल आखिर में सिर पर वार कर विक्टिम को मारता था। दूसरी तरफ कैट और बेन को पुकारती पुकारती मैंडी भी यहाँ आ जाती है, और तभी बेन उसे अपने पास बुलाकर पूरी बात बताता है, जिसके बाद वो शटर को बाहर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। और तभी अंदर से बेन कहता है, ये लो कीज, मेरी गाड़ी लेकर पुलिस के पास जाओ, अगर रास्ते में कोई गन वाला मिले तो उससे मदद मांगो। ये सुनकर मैंडी वहाँ से चली जाती है। वो सावधानी के लिए रास्ते में मिले एक हथियार को भी उठा लेती है। अब वो जल्दी जल्दी बेन की गाड़ी लेकर मदद लाना चाहती थी। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तभी किलर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैंडी किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहती थी। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो किलर को गाड़ी से उड़ा देती है। टक्कर के बाद मैंडी धीरे धीरे गाड़ी से उतरती है और अपना हथियार भी उठा लेती है। किलर सामने तड़प रहा था, और तभी मैंडी उसके सिर पर वार करती है। उसके मरने के बाद मैंडी उसका चेहरा देखती है, लेकिन ये क्या, ये तो जैक था। और तभी असली किलर आकर कहता है, डरो मत, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। ये कहकर वो मैंडी पर गोली चलाता है। कुछ देर बाद बेन और पेट कोई आवाज सुनकर सतर्क हो जाते हैं। उन्होंने जो आवाज सुनी थी वो किलर के कदमों की थी, जो सीधा घर में आकर पेट के पास आता है। अचानक तभी बेन उस पर वार करता है, लेकिन किलर भी पूरा तेज था। उसे पता था कि विक्टिम को कमजोर कैसे करना है, कितनी ताकत से सिर पर वार करना है। इसके बाद वो बेन को पीटता है ताकि उसकी हिम्मत टूट जाए। तभी पेट पीछे से आकर उसकी एक आंख फोड़ देता है, लेकिन बेरहम किलर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार करता है। दूसरी तरफ मैंडी को एक चेयर से बांध रखा था, वो आजाद होने की पूरी कोशिश करती है और जल्द ही आजाद हो भी जाती है। किलर ने उसके पैर पर गोली चलाई थी, लेकिन वो किसी तरह चलकर कमरे में पड़ी गन उठा लेती है। उधर किलर मूवी बनाने की तैयारी कर रहा
रहा था। वो पेट के हाथ अच्छी तरह से बांध देता है। अब किलर के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। पहले वो टांगों पर कई वार करता है, फिर बहुत सारे वार पेट पर। वो उसे ऐसे पीट रहा था जैसे धुलाई के वक्त मोटे कपड़ों को पीटा जाता है। बेचारा बेन भी पेट की चीखें सुनकर किसी तरह आजाद होने की कोशिश करता है। उधर किलर आखिरी बार पेट के मुंह पर वार करता है। अब बेन की नजर पहले पेट पर पड़ती है, फिर वो किलर को देखकर उसकी टांग पर वार करता है। लेकिन किलर अभी भी पूरा सतर्क था। वो बेन को मारने ही वाला था कि तभी मैंडी आकर उस पर गोली चलाती है। फिर वो बेन के पास आती है और तभी उसकी नजर एक लड़की की कटी हुई लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, गिना। बस ये कहकर वो खुद को गोली मार लेती है। बेचारी मैंडी अपनी बहन की दर्दनाक मौत सहन नहीं कर पाई। अब अकेला बेन बचा था जो गन का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। बेचारा बेन अपने दोस्त का बुरा हाल देखकर बहुत उदास था और तभी किलर उसकी गन पकड़कर गोली चलाता है जो उसके कान को छूकर निकल जाती है। किलर किसी तरह फिर से खड़ा होता है और इसी बीच बेन भी एक हथियार उठा लेता है। अब किलर उसे पकड़कर गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन गन खाली थी, जिसके बाद बेन उसके सिर पर वार कर उसे मार देता है। कुछ देर बाद बेन उसी कमरे में आता है जहां मूवीज रखी हुई थी। मौत को इतना पास देखकर उसका डर खत्म हो चुका था। वो कुछ देर जहां रुककर आराम करना चाहता था और समय बिताने के लिए किलर की मूवीज देखने लग जाता है। अचानक वो मूवीज देखकर चौंकता है और उसके मुंह से निकलता है, ये अकेला नहीं। तभी सैम पीछे से आकर उसका गला काट देता है, क्योंकि सैम किलर का साथी था जो कभी कभी किलर के साथ मूवी शूट करता था। दरअसल सैम और किलर लोगों को तड़फते देख बहुत खुश होते थे। दोनों का यही शौक था और फ्री समय में बार बार लोगों को तड़फते देखते। आखिर में दोस्तों, अच्छे शौक आदमी को और अच्छा बनाते हैं, लेकिन बुरे शौक आदमी को हैवान बना देते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।